अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। बंगाल के जनता की मन की बात के तहत आज हम मौजूद हैं चाकुलिया विधानसभा के हाथीमारा बाजार में। और यहाँ जिस तरह से मैं आपको दिखाऊं कि एक बाजार लगता है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे भीड़ है, दुकानदारी हो रही है, सब्जी मार्केट में हम खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में 2021 में होना है, क्या लोगों की मन में चल रहा है, लोगों का क्या ज़मीनी मुद्दा होगा, कामकाज कैसे हुए हैं, लोगों से ही जानते हैं। चचा से पूछते हैं, क्या नाम हुआ चचा आपका? जी मेरा नाम निर्मल सिंह हुआ। निर्मल सिंह, आप कहाँ से हैं? हम ढकनिया ग्राम से हैं। ढकनिया, तो जिस तरह से आप चचा, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे तो बाबा 60 साल हो गया था, पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। बाल बच्चा जो भी है वो क्या खिलाएगा? अच्छा, अभी नहीं हुआ पेंशन वेंशन? नहीं, कुछ नहीं हुआ है हमारा। अच्छा, तो अभी जिस तरह से कुछ दिनों में ही चुनाव का ऐलान होने वाला है पश्चिम बंगाल में, विधानसभा चुनाव होगा, तो हम बाजार में भाई घटक घूम रहे हैं, कोई रोजगार भी नहीं मिलता है, करे क्या? तो क्या मुद्दा होगा आप लोगों का? हाँ, आपके पास जो वोट मांगने के लिए नेता लोग आएंगे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपका क्या मुद्दा होगा? जो दोस्त भाई आगे चलेगा लाठी लेकर, उसके पीछे हम भी लाठी लेकर चलेंगे, मारो तो मारो साले को। अच्छा, हाँ, मार मूर वाली बात कहा करते हैं? वही तो आता है मार मूर का। रोजगार मुद्दा है, आप अभी बोल रहे पेंशन नहीं हुआ, वो किसी का पेट पर लात मार के छीन के किसी के भात खा लेता है। अच्छा, जमाना तो ही चलता है ना, अभी ये भी होता है, होता है नहीं? अच्छा, जो राज्य सरकार कामकाज किया है, अभी तो यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है 10 साल से, वो जिस तरह से कामकाज किया, तो कह रहे कि जो उन्होंने कामकाज किया है राज्य में 10 साल से, कैसा कर पाई है, ठीक कर पाई है या नहीं कर पाई है? जो किया अच्छे किया 10 के सामने। अच्छा, हमको क्यों एक को बोलने में क्या, 10 बोलेगा का अच्छा किया ना खराब किया? आपके हिसाब से हम क्या, हमारा हिसाब क्या बोलेगा? 10 बोलेगा, हम 10 के पीछे, 10 के पीछे जाएंगे। अभी बाजार में हमको कोई मारेगा तो 10 बचाएगा। हाँ, आप नहीं बचाइएगा? हम तो नहीं बचाएंगे, नहीं। हम आपसे ये जानने आए हैं कि जो सरकार की तरफ से योजना चलाई जाती है उसका आपको कितना लाभ मिलता है, उसका आगे हमको मालूम नहीं। चलिए ठीक है, और भी कुछ लोग होंगे उनसे भी जान लेते हैं 2-4 बातें। हमारा नाम ओबेदुर्रहमान। ओबेदुर्रहमान बाड़ी দক্ষিণ পারন। দক্ষিণ পারন কোন জিপিতে বলেন আপনি? তোরিয়াল জিপি। তোরিয়াল জিপি, আমি আপনার কাছে অতটুকুই জানতে এসেছি যে মানে রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার গত 10 বছর থেকে এখানে আছে পশ্চিমবঙ্গতে, ওর দ্বারাই যে রাজ্য জুড়ে যে কাজকর্ম করা হয় সেটা নিয়ে আপনার কত সন্তুষ্ট আছেন কি কাজকর্ম ঠিক করতে পেরেছে? রাজ্য সরকার কাজগুলো যতগুলো কাজ দিচ্ছে ঠিক দিচ্ছে, কিন্তু নেচান নেতা নিচনকার যতগুলো আপনার নেতা আছে ওগুলো সব বিবর্ণতা করে সব শেষ করে দিচ্ছে, মানে পাবলিকের কাছে কাজগুলো পৌঁছচ্ছে না। যেগুলো কাজ দিচ্ছে সরকার, রাজ্য সরকার দিচ্ছে, ওখান থেকে ওনার ঠিকই দিচ্ছে, কিন্তু নিচনে যত এসে কাজ কোনো কাজকর্ম হচ্ছে না। একটা যে কোনো জিনিস আপনি কইতে চান যে রাজ্য সরকারের দ্বারা যে কাজকর্ম করা হয় তা ঠিক, কিন্তু লোকাল নেতৃত্বরা যারা আছেন তারা কাজকর্ম হতে দেন, তারা কাজকর্ম হতে দেন। তো এবার যে 2021 বিধানসভা নির্বাচন হবে, সরকার গঠনের নির্বাচন হবে আপনার পশ্চিমবঙ্গতে, তো আপনার মুদ্দা কি থাকবে? আমার মুদ্দা থাকবে, আমার যেটা বিধানসভা, আমরা রাজ্য সরকারকে দেখে ভোট দেই দিনে, আমরা ভোট এখানে করব আমাদের যেটা আদর্শের নেতা, যে যে কোনো দলের নেতা হোক, যে আদর্শমান নেতা হবে সে আদর্শমান মান নেতা ভোট পাবে, তাকে আমরা জয়যুক্ত করব। তো চাচা কা কহনা থা কে রাজ্য সরকার তো যে কামকাজ কর রি হে ঠিকই কর রি হে, লেকিন যে লোকাল নেতৃত্ব হে, যে ইহা কে লোকাল নেতা লোক হে, উনকে তরফ সে কামকাজ সহি নাহি কিয়ে জাতে হে, ইয়ে উনকা কহনা হে। আর যে আদর্শহীন নেতা হোগা, যে লাগেগা চাচা কো কে নাহি ইয়ে নেতা মেরে লিয়ে ঠিক কর সকতা হে, ও উনকে পক্ষ মে জায়েঙ্গে। আসল মে চাকুলিয়া বিধানসভা মে পড়তা হে, আর ইহা जो अभी 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा में यहाँ जो है बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, आपका लेफ्ट और कांग्रेस, चारों पार्टियों ने यहाँ पे चुनाव लड़ा था, जिसमें यहाँ से बीजेपी की देबूश्री राय चौधरी जीती थी इस लोकसभा सीट से। और चाकुलिया की जो बात कही जाती है कि सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस को 60,000 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 51,000, लेफ्ट को 40,000। यहाँ मौजूदा विधायक अभी अली इमरान रम्स विक्टर हैं और राज्य में 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है, तो वही जानने के लिए लोगों के पास आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में लोगों का ज़मीनी मुद्दा क्या होगा और लोग
क्या सोचकर वोट करेंगे? क्या नाम हुआ आपका? जमालुद्दीन। कहाँ से हैं सर आप? नहीं, बाजू ग्राम पारुल से। अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ ही दिनों में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है, 2-1 महीने में ही डिक्लेयर हो ही जाएगा, तो क्या मुद्दा होगा, ज़मीनी मुद्दा क्या होगा आप लोगों का इस बार के चुनाव में? सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो हमारा भाईचारा है। हम जो मुस्लिम हिंदू हैं सब एक होना चाहते हैं, वही हमारा सबसे पहला मुद्दा है। जैसे पहले था, तो क्या पहले से एक नहीं है? अभी थोड़ा कम हुआ है वो पहले से, जैसे हम पहले जाते आते थे वो भी आते थे, अभी कम हुआ है, वही हमारा सबसे पहला मुद्दा है। अच्छा, बाकी का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा वो, लेकिन सबसे पहला मुद्दा यही हमारा। अच्छा, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात की जाती है तो आपके चाकुलिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 8-10 सालों में? नहीं, पहले से बहुत अच्छा हुआ है, जैसे रोड वगैरह है वो सब का काम हुआ है, और स्कूल में जो फैसिलिटी सुविधाएं हैं वो सब भी मिला है बच्चों को। अच्छा। वो सब अच्छा हुआ है। मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो कामकाज किए जाते हैं पूरे राज्य में, पश्चिम बंगाल में, आप भी एक युवा हैं और देखते हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आजकल खबरें चलती रहती है, तो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जिस तरह से उन्होंने राज्य में कामकाज किए हैं, वो किस हद तक ठीक कर पाई हैं आपके हिसाब से? नहीं, जो काम किए हैं वो ठीक किए हैं, और भी काम होना चाहिए, अभी भी कहीं कुछ काम बाकी है वो भी होना चाहिए, और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार आए, चाहे वो ममता दीदी आए या हमारे बम फ्रंट का आए या बीजेपी वालों कोई भी आए, अच्छा से काम हुआ और भाईचारे की बचे रहे और अच्छा से चले, यही हमारा मुद्दा है। ठीक है, आगामी विधानसभा में मुख्यमंत्री के हिसाब से आप किसको देखना चाहते हैं? नहीं, वो अभी टाइम है, 2-3 महीना हम सोचेंगे। हाँ। उसके बाद देखेंगे, हालात देखेंगे, उस हिसाब से वोट डालेंगे। चलिए ठीक है। हाँ, क्या नाम है बोलिए? आलोक कुमार शाह। कहाँ से हैं सर आप? हाँ, कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पर हाथीमारा। हाथीमारा। अच्छा, एक मैं आपसे पूछने आया हूँ। कहिए। कि जिस तरह से अभी कुछ ही दिनों में यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा। हाँ, होगा। आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं। ठीक है, आप बोलिए, जितना हम जानते हैं उतने बताएंगे। तो क्या मुद्दा होगा आपका इस बार चुनाव में? आपके पास जो वोट मांगने नेता आएगा। हाँ। आप उनके सामने क्या प्रश्न रखेंगे? सबसे पहले तो स्वास्थ्य परिसेवा चाहिए जी, शिक्षा चाहिए, और हमारे जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए कुछ वो जो बोलता है, जो मकान चाहिए, घर चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली का रेट बढ़ गया है उसका दाम कम करना चाहिए, यही सब चाहिए मुद्दा होना। हाँ, चाचा ने एक बात जो यहाँ पे कही है, शिक्षा और स्वास्थ्य, हाँ, दोनों चाहिए, ये सबसे बड़ा दो मुद्दा। आज हमारे चाकुलिया विधानसभा में एक ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा हमारे चाकुलिया में है, लेकिन अगर बात ऑपरेशन की आती है तो उन्हें लिख दिया जाता है कि आप इस्लामपुर चले जाइए, लेकिन लोग मजबूरी में इस्लामपुर ले जाते हैं, किशनगंज ले जाते हैं, रायगंज ले जाते हैं, पूर्णिया ले जाते हैं, और यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको एक अच्छे मेडिकल की, एक अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। और शिक्षा की अगर मैं बात करूँ, जो पिछड़ेपन की मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा था कि लोग अपनी बात को रखने से भी डरते हैं, जो लोगों के मन में ये डर है, ये समझ लीजिए कि शिक्षा की कमी है, इसीलिए लोग इस बात से डरते हैं। क्यों? कि यहाँ एक अच्छा शिक्षा का सिस्टम नहीं है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है कि जहाँ से बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बन सके और अपनी बात को उठा सके, कह सके इलाके के लिए। जिस तरह ने चचा ने बताई, बहुत अच्छी बातें बताई चचा ने। तो सर, चचा एक बात और बता दीजिए कि जिस तरह से अभी पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल की सरकार है पश्चिम बंगाल में, जो कामकाज हुआ है और जो कुछ भी किया है आपके इलाके में, बंगाल में, या आपके लिए, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं, हम थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, इसमें हम जरूर कहेंगे जो ममता दीदी ने जो भी कुछ किया है, जैसे कि कन्याश्री, युवश्री, शास्त्रश्री, शास्त्र साथी बीमा सर प्रकल्प, और जैसे कि है वृद्धाश्रम का एससी और एसटी के लिए स्पेशल जय बंगला जय जोहर बनाया है, ऐसे भी इतना ही काम है। सबका भला तो कर नहीं पाएगा कोई भी सरकार आए, तो कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं है जो ममता दीदी कुछ किया ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकेंगे, जरूर कुछ किया है, अच्छा अच्छा कुछ काम किया है। हाँ, ये हम मानते हैं, अच्छा काम किया, आप उसकी प्रशंसा। हाँ, उसका प्रशंसा, लेकिन और भी कुछ करने की जरूरत। हाँ, बहुत कुछ करने का है, काम का कम नहीं है देश में है। अभी बोले ना, जो आप कहे जो सच बात, जो हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य परिसेवा है, अभी जाएंगे एक तो डिलीवरी केस लेकर के चक लिया, तो वहाँ से फट से रेफर कर देगा इस्लामपुर जाइए। हाँ, अब इस्लामपुर में ले आएंगे, वहाँ हमको यहाँ से गांव का आदमी है, जाने में हमारा दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, मगर चकलिया में होता वही परिसेवा तो हमको मिल जाता।
यही सब चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए जी, और जो मिल रहा है वो ठीक ही है जी। और चुनाव में अक्सर यही मुद्दे होने चाहिए। हाँ, होना चाहिए। लोग जो अक्सर क्या करते हैं ना कि जातिवाद को मुद्दा बना लेते हैं, जातिवाद का मुद्दा जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली है। शर्मसार है मगर वो भी है। वो भी है, ये मान, ये आप नहीं कर सकेंगे, जो हम उस मानते नहीं है। आज नहीं, जब से देश स्वाधीन हुआ है तब से लेकर आज तक जहाँ देखेगा मुस्लिम बहुल है वहाँ मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेगा, जहाँ देगा हिंदू हर पार्टी करती है। हाँ, तो वही तो बात तो यहाँ ही ना जाता है। हाँ, फिर तो आ गया जात पात का, जो जब यहाँ देखे जो हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा है तो वहाँ मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया, और देखा हिंदू है तो यहाँ पर हिंदू एक ही पार्टी का है। मगर ऐसा नहीं जो मुस्लिम बहुल में हिंदू कैंडिडेट दो या हिंदू बहुल में मुस्लिम कैंडिडेट, ऐसा नहीं देगा। अब जाके भाईचारा का पता, हाँ भाईचारा का पता तो ऐसा चलता नहीं है। तो ऐसे मुंह से हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मगर अंतर में तो दूसरा कुछ रह जाता है कि नहीं। जो आज और नहीं, और यही कहीं ना कहीं ये लोगों को परेशान और देश को पीछे ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है, जरूर होता है। जिस तरह से आपने अभी जिन जिन मुद्दों की बात की, अगर सब उन मुद्दों पे सोचने लगे तो बहुत आगे जाएगा हमारा जाएगा। लेकिन सब नहीं सोचते हैं चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कौन सी विषय है ये? चाकुलिया टाइम्स सोशल मीडिया नेटवर्क है। अच्छा अच्छा, बोलिएगा कुछ। टीवी में दिखाई देगा? नहीं, ये मोबाइल में चलेगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हम लोग मोबाइल में देखेंगे। सुबीर उबीर है यहाँ, सुबीर है, बहुत सा मोबाइल है। चलिए आजकल और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी दो चार बातें करेंगे। की नाम का को? हाँ, नाम बुधन लाल सिंह। बुधन लाल सिंह कुनिन घोर तो लुहाडर। काम काज की कर? काम काज खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी का काज कर? ठीक, बहुत बढ़िया। तो अभी जो विधानसभा चुनाव हो 2021 से हो, अच्छा अच्छा, तो की मुद्दा होबे तोर मुद्दा? की सोचे वोट करबो तोर लिए? लोग वोट मंगवाओ बे नेतारा। अच्छा अच्छा, तो वाले की सवाल लगबो? सवाल दिवा आवे जे माने की सवाल लगबो जे मोर इलाकात कुनखान काम नहीं है या उखान होले पर बढ़िया होबे? से तो बढ़िया माने काम, माने की काम होली होल बढ़िया, जे जे कोनो ये हो। अच्छा, काज होली भालो? हां, काजर दोसी तो लोग माने सबा चेष्टा करछे। काज होचे फेर इलाकात होचे ओई माने आर की मन ओते पूरा लोग का करवा पड़छे। हां, गोटला लोग निकोरा पड़छे तो। अच्छा, अल्प होचे ना? हां, अल्प अल्प होचे। हां होचे ओई माने। अच्छा, तो आरो होवार जरूर छे? जरूर छे नी ते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ती एक जन किसान छिस? अच्छा। हां हां, केता हन जमीन जगह तो लिवे? नीचे पोरेर जमीन करजे हमरा। पोरेर जमीन करजे? अच्छा अच्छा, चल ठीक छे। हां, तो कृषक बंधु तो नी पाछिस ना तू? हां, कृषक बंधु योजना नी पाछिस ना? हां, आइए कुछ लोग और अगर बात करना चाहे तो करेंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ लोगों को, अगर कोई जानते हैं और समझते हैं यहाँ की राजनीति को, यहाँ के लोगों के जरूरी मुद्दों को, और यहाँ के लोगों के अंदर जो कमियाँ हैं, यहाँ सरकारें जो कामकाज नहीं कर पाई है, वही जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्या यहाँ से रहेगा आगामी चुनाव के लिए। चाचा हैं बोले। क्या नाम? अब्दुल रहमान। बाड़ी? पारोल। पारोल, हाटे की आपने बराबर आसें? हैं डेली आसिर सन्ध्यार दिखे। बाजार टाजार भालो है? है मोटामुटी, सब्जी दाम नहीं आर की भालो है वे की। কিছুদিন আগে তো অনেক দাম ছিল, এখন কিছু দাম নাই। মানে এখন যে কৃষকরা নিজের মাটি থেকে তুলে এনেছে তো দাম ঘটে গেছে। ওই তো 10 টাকায় চারটা ফুলকপি দিছে, বাঁধাকপি 10 টা। এক মাস আগে তো ওই ফুলকপিটা 80 টাকা 90 টাকা ছিল। ছিল তো, এখন নাই তো কি করবে কৃষক, কি করবে? সমস্যা খুব আছে, খুব সমস্যা আছে। তো এখন যে আগামী বিধানসভা নির্বাচন, এই তো আপনার 2-3 মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো কি থাকবে আপনাদের এখানে, যে নেতারা যে ভোট চাইতে আসবে আপনার কাছে যে আমাকে ভোটটা দিন, তো আপনি কি প্রশ্ন করবেন আমাকে? কি যেরকম নেতা দেখবো সেরকম করে মারবো ভোট, টাকা নিবো তাহলে ভোট দিবো। এবার এটাই তো ভুল গো। হ্যাঁ, ভুল কি? এটাই তো সবচেয়ে বড় ভুল। আপনি কারোর কাছে টাকা নিয়ে ভোট নিয়ে নেবেন তো 5 বছর আগে কিছু বলতে পারবেন? কিছু পাওয়া যায়নি, একটা কোদল পাওয়া যায়নি এখনো। আর ভোট ভোটে সবাই টাকা আর পাওয়া যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, 500 টাকা দিয়ে আপনার ভোটটা নিয়ে নিলে ওই 500 টাকাতে হয়ে যাবে আপনার? অতি 5 দিন কার হাট করা হবে রে বাবা। তারপরে 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 4 বছর আর জোন খাটবো আর খাবো কি করবো। ঠিক, তো মানে হাতিমারা বাজার সে আপকো কুছ লোগো সে বাত কর রা থা জিসে আপনে দেখা সুনা। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए हाथीमारा से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।